तो गाइस आज की वीडियो जो है वो सोलो वे स्केट नहीं होने आज वाली की वीडियो जो होने वाली है वो स्केट वेस्ट। तो आज मैंने कुछ रैंडम पर्सन के साथ मैच स्टार्ट किया है। तो अभी भी आपने देखा होगा यहाँ पर फ्री फायर का पूरा खानदान ही उतरा हुआ है। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बचकर रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं रश करके खेलता हूँ तो मेरा कोई बचने का चांस ही नहीं है। तो अभी अभी मुझे MP40 मिला है और मुझे नहीं लगता अब किसी के सामने आने की हिम्मत भी पड़ेगी। तो सामने एक बंदा दिख रहा है, हेड तो नहीं लगा बट नॉक हो गया, और अंदर एक और बंदा है उसी टीममेट का और मुझे नहीं लगता इसका बचने का कोई चांस भी था। और मेरा एक टीममेट है जो नॉक हुआ, तीन चार स्केयर तो यहाँ पर उतरी थी और सामने एक और बंदा दिख रहा है और ये भी नॉक हो गया। और इसे खत्म करने के बाद अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई बचा होगा क्योंकि सारे भाग गए हो गए यहाँ से। और अभी भी एक बंदा मुझे सामने घर के अंदर जाता और मेरा टीममेट उसे मारने की कोशिश कर रहा है बट नॉक हो गया। अब कुछ मैं ट्राई कर लेता हूँ उसे मारने का, तो दो एक हेडशॉट लगा और वो नॉक हो गया। अचानक से मेरा ध्यान थोड़ा सेट पर जाता है और मैं देखता हूँ कि मेरे सारे टीममेट जो है वो फ्री फायर की दुनिया से बाहर चले गए हैं। अब मेरे सारे के सारे जो टीममेट जो है वो नॉक हो गए हैं और सामने भी एक बंदा है। मेरे पास वुड पैकर है तो उसका बचने का कोई चांस ही नहीं। तो अगर ये बंदा यहाँ पर है तो इसका स्केयर भी यहाँ पर होगा। तो अगर मैं सामने से जाने की कोशिश करता हूँ तो उसका टीममेट जो है नेवले की तरह छुप कर बैठा होगा और मेरे इंतजार में मुझे ही काटने की तैयारी कर रहा होगा। तो पीछे से जाने की ट्राई करता हूँ और शायद कूपन मिल जाए मुझे ताकि मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव कर सकूं। तो बारी ऐसा होता है मैं लूट कर शक की ताकि कोई ना कोई नेवला यहाँ मेरे ही इंतजार में बैठा होगा। सामने भी एक बंदा आ रहा है, सारे के सारे हेड लगने के बाद भी मैं बच नहीं पाया। एक साइड पर नेवले से बच रहा था और सामने से आके सांप ने काट लिया।